हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम आदिल और आप सभी का स्वागत है आज के एक बहुत ही प्यारे वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के बाद आप लोग क्लियर हो जाओगे अगर आप आने वाले समय में एक लैपटॉप लेने की सोच रहे हो। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपका बजट 30,000 या 25,000 के बीच में है देन डेफिनेटली आप इस वीडियो के बाद क्लियर अच्छे से हो जाओगे कि इस बिग बिलियन डे सेल में जो अभी आने वाला है कि इसमें सबसे बेस्ट एंड द बेस्ट डील आपको कौन सा मिले और कौन सा लैपटॉप आप सभी लोग लेना चाहिए। अब देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताता हूं, यहां पे मैंने ज्यादा ऑप्शन नहीं रखे हैं क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हो, मेरे वीडियो पे आ रहे हो, सो डेफिनेटली इस माइंड से आ रहे हो कि हाँ भाई मैं क्लियर हो जाऊं कि इस बजट में मुझे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए और यही लैपटॉप सबसे बेस्ट क्यों है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करें वो सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप के बारे में बात करें, Realme का Book Slim i3 का 11th जनरेशन। अब देखिए ये जो लैपटॉप है, मैं प्राइसिंग का स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं, अभी 30,000 के अराउंड का देखने को मिल रहा है, बट जो भी आने वाला सेल है अगर आप लोग इसमें क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन मतलब क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट करते हो तो ये लैपटॉप आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 25,000 के अराउंड का देखने को मिलेगा। अगर आप लोग बजट 25,000-30,000 के बीच में है तो आप लोग सोचो आप सभी को एक ऐसे लैपटॉप मिल रहा है जिसमें कि एक तगड़ा डिजाइन है, एकदम सुपर लगता है Realme Book Slim, प्लस उसका जो डिस्प्ले वो 2K डिस्प्ले है, यहाँ पे i3 का 11th जनरेशन, 8GB ऑफ रैम, 256GB SSD, मतलब जो भी इसके सारे कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। कॉन्फ़िगरेशन वाली बात अलग, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है वो है प्राइस सेगमेंट। अभी सेल्स आ रहे हैं एंड ये एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग लैपटॉप लेने की सोच रहे हो, प्लस इस बजट में जो है ये एट ए पार्टिकुलर जो प्राइस अभी आप सभी को देखने को मिला 25,000-30,000 के जो बीच में मिलने का मिल रहा है, जो कि हाई चांस है आपको 25,000 के बीच के मतलब 25,000 के अराउंड का देखने को मिला, बट हाँ अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे तभी आप सभी को 25 तक का मिलेगा, अदरवाइज ये 30 तक का मिलेगा। तो आप लोग सोचो इस बजट में आप सभी को एक तगड़ा लैपटॉप मिला जिसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है, इसमें आप नॉर्मल टाइप की ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, कैनवा वगैरह अच्छे से आप यूज कर पाओगे, मतलब बोलता है लैपटॉप के प्रोफेशनल वाली काम आप लोग इसमें सारे कर पाओगे, नॉट लाइक हाई एंड वाला, क्योंकि आप सभी को पता है i3 11th जनरेशन है, 256GB SSD है, तो ज्यादा मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन और बोलता है ज्यादा तो बड़े एप्लीकेशन आप इसमें डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका बहुत ज्यादा लो स्टोरेज है, 256GB बहुत कम होता है, बट एक लिमिटेड बजट के लिए जैसे नॉर्मली आपको कोडिंग करना है, नॉर्मल से आपको यूज करना है, आपको ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हो, अभी आप स्टार्टिंग में हो, देन दोस्तों इस बजट में कम से कम में अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हो Realme का Book Slim आपके लिए सबसे परफेक्ट लैपटॉप रहेगा। डेफिनेटली आप इसकी तरफ जरूर से जाना, आपके भाई का हाईली रिकमेंड है, स्पेशली 25,000 में आप सभी को देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अभी आने वाली सेल में खरीदने को, अदरवाइज इसके अलावा कोई ऑप्शन मैं नहीं दूंगा इस बजट में। अगर आप लोग अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो, मेरा मतलब अगर आप लोग अपने बजट को ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो, देन डेफिनेटली आप लोग जो मैंने 40,000 रुपए लैपटॉप बनाई है वो आप लोग जाके देखो अगर आप लोग का बजट वहां तक है, क्योंकि उस बजट में आप सभी को एक हाई एंड पीसी कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप सब देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग ये छोटा सा वीडियो जरूर से पसंद आएगा और ज्यादा कंफ्यूज मत हो, जो 25,000 के बजट में आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हो Realme Book Slim परफेक्ट चॉइस रहेगा आप सभी लोग के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।